अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करके अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं तो आप इंडिया के 30 साल से भी पुरानी वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल, जिनके 12 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, की मदद से जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ होने चाहिए। इस ऐप में स्टॉक रिकमेंडेशन तो आती ही है, साथ साथ आपको पर्सनल एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलती है। अकाउंट ओपन करने पर वेलकम बास्केट में 25,000 की AI बेस्ड टूल्स मिलते हैं, 3,000 का डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलता है। इस फास्ट एंड सिक्योर ऐप से आप मोबाइल ऐप और फोन कॉल की मदद से घर बैठे ही निवेश कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम, फोन नंबर और सिटी भर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों वो एक चीज कौन सी है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जा सकती है, जो आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लेकर जा सकती है? वो अकेली चीज जो आपको लोगों की नजरों में अच्छा और लोगों की नजरों में ही बुरा बना सकती है। ये अकेली चीज की मदद से ही आप पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और ये अकेली ही चीज ऐसी है जिससे आप पूरी दुनिया में बुरे भी बन सकते हो। ये अकेली चीज ही हमारे कर्म भी बनाती है। अगर मैं आपसे कहूँ, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को डिप्रेशन यानी अवसाद से इसी की मदद से बाहर निकाला था, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर एक इस चीज पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो आप भी समाज में सभी के प्यारे बन सकते हैं। ये क्या है, आप मन ही मन सोचिए। इसकी ताकत बताने के लिए मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन काल की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। इसको अंत तक ध्यान से सुनिए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे तर्क करते थे। उनसे तर्क में जीत पाना लगभग असंभव था, और उनको अनेकों विषयों का ज्ञान भी था। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और अनेकों जटिल विषयों के वह जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे दिया करते थे। अनेकों भक्तजन और जिज्ञासु लोग स्वामी जी का प्रवचन सुना करते, और प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्त होने पर उनसे भक्तजन प्रश्नों की बौछार लगा देते और स्वामी जी उनके सभी प्रश्नों के संतुष्टिजनक उत्तर दिया करते थे। ऐसे ही एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान नाम की महत्ता बता रहे थे और उनके आसपास भक्तों की भीड़ लगी थी। सभी भक्त स्वामी जी की बात बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी आप हर बार जोर देकर कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमें सदैव अच्छे और कर्ण प्रिय शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्द साक्षात परमात्मा तक पहुँचते हैं। व्यक्ति ने तर्क दिया, शब्द तो केवल शब्द है, शब्दों में रखा ही क्या है, अच्छा हो या बुरा। शब्दों का मकसद तो केवल दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचाना है, और ऐसे कैसे संभव है कि हम लोग अच्छे शब्द बोलेंगे तो स्वयं ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और बुरे शब्द बोलेंगे तो ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे। स्वामी जी इस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान तो दूर की बात है, अगर आप एक आम इंसान से भी सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपसे नाराज हो जाएगा। व्यक्ति ने तुरंत कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। स्वामी जी ने बिना स्वर ऊंचा किए व्यक्ति से कहा, आप मान भी कैसे सकते हैं, आप अत्यंत मूर्ख, जाहिल, गवार किस्म के व्यक्ति जो ठहरे, शायद ही आपसे अधिक मूर्ख इस धरती पर कोई और होगा। आपको तो किसी भी चीज की समझ ही नहीं है, आप जैसे लोग तो धरती पर ही बोझ होते हैं। स्वामी जी के कठोर शब्द सुनकर व्यक्ति पहले तो हैरान हुआ और फिर क्रोध से भर गया और बोला, आपको लोग स्वामी कहते हैं और आपको तो बात करनी तक नहीं आती, आखिर आपने मुझ में ऐसी क्या कमी देखी जो आप मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बहुत आघात पहुँचाया आपने। स्वामी जी बोले, मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, अगर शब्दों में कुछ नहीं रखा तो तुमको दुख किसने दिया, मैंने तुम्हें कोई पत्थर तो नहीं मारा, ये मेरे शब्द ही थे जो तुम्हें दुखी कर गए। इसी तरह प्रिय वचन हमें आशीर्वाद और कृपा दिला सकते हैं। ये बात सुनकर व्यक्ति ने स्वामी जी से क्षमा मांगी। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, इस दुनिया में ज्यादातर झगड़े जो होते हैं वो शब्दों के कारण ही होते हैं। बात का मतलब क्या है ये लोग बाद में देखते हैं, पहले तो लोग हमारे शब्दों को तोलते हैं, फिर उसके बाद ही शब्दों में छिपी बात का मतलब समझते हैं। और अगर हम अपने शब्दों पर ध्यान देने लग जाएं, तो हम लोग सभी लोगों का प्यार, सम्मान, खुशियाँ अपने जीवन में पा सकते हैं। हरे कृष्णा।